हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल जीके रिव्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आई होप यू गाइस आर गुड एंड हेल्दी, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। सो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। आज का सेशन रहेगा वो करंट अफेयर्स 24th and 25th May 2020 के डेली क्विज के क्वेश्चन। सो इस सेशन में अपन 24th और 25th May के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। सेशन पर चलने से पहले, अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। Don't forget to press the bell icon button to get the latest notification and updates from GK Review। और notification regarding हो सकता है आपके exam notification के बारे में, exam results के बारे में, नए current affairs के बारे में, नया कोई important topic के बारे में। So bell icon के button को दबाना ना भूलें, और उस bell icon के button पे एक all का option आता है, उसे tap कर दीजिए ताकि सारे के सारे notification updates सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। So बिना देरी किए चलते हैं हम अपने first question पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कार कंपनी टाइज अप विद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस टू लॉन्च बाय नाउ पे लेटर ऑफर। कौन सी कार कंपनी है जो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के साथ टाई अप करके एक नया ऑफर लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम है बाय नाउ पे लेटर ऑफर। सो इस कार कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी। सो आइए देख लेते हैं इस ऑफर के बारे में। अंडर द स्कीम कस्टमर्स हैव द ऑप्शन टू अवेल 60-day सरचार्ज ऑन देयर EMI। However, this offer is available on selected Maruti Suzuki models and is applicable on loan payments due on or before 30 June 2020। अच्छा, क्या है ये ऑफर, इसके बारे में मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। 30 जून से पहले पहले अगर आप कार खरीदना चाहते हैं मारुति सुजुकी की, कोई पर्टिकुलर मॉडल्स में ये ऑफर अवेलेबल है, सो क्या होगा, आप कार पहले खरीद सकते हैं और उसका जो पेमेंट है वो बाद में कर सकते हैं। और उस पेमेंट में कितने दिनों की छूट दे रखी है, 60 डेज की छूट दे रखी है, इट्स अराउंड 2 मंथ्स। मतलब 2 मंथ्स आपको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, कोई सरचार्ज अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा अपनी EMI के ऊपर। आप कार बाय कर सकते हैं और आपकी EMI 2 महीने बाद चालू हो जाएगी। और ये क्यों कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि पेंडेमिक है, सभी लोग अभी फाइनेंशियली बाउंड है, रजिस्ट है फाइनेंशियली। सो और अभी करेंसी मूवमेंट भी बहुत कम चल रहा है, सो इसको ध्यान में रखते हुए ये नया ऑफर लाए हैं मारुति सुजुकी कंपनी ने। अच्छा, अगर अपन चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स है चेन्नई तमिलनाडु एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है अरुण अलगप्पन मैनेजिंग डायरेक्टर है चोलामंडलम के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव, विच जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड ऐप बेस्ड ओडी ओन डैमेज फ्लोटर पॉलिसी। कौन सी जनरल इंश्योरेंस ने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है ओन डैमेज फ्लोटर पॉलिसी। सो ये हमारे पास, इस कंपनी का नाम है एडिलविस जनरल इंश्योरेंस। सो आइए ओडी फ्लोटर पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं, ओन डैमेज फ्लोटर पॉलिसी। ऑन 21st May 2020 एडिलविस जनरल इंश्योरेंस लॉन्च एडिलविस स्विच, इस ऐप का नाम है एडिलविस स्विच मोटर इंश्योरेंस ओन डैमेज फ्लोटर पॉलिसी अंडर IRDA सैंडबॉक्स रेगुलेशंस। अच्छा बता देता हूँ क्या है ओन डैमेज फ्लोटर पॉलिसी, क्या कहती है। फ्लोटर का मतलब होता है, फ्लोटर पॉलिसी वो होती है कि उन पॉलिसी या वो चीज़ें जो क्या आपकी मूवेबल नहीं है, जैसे आपकी प्रीशियस थिंग्स हो गए, आपकी व्हीकल्स हो गए, उन पर आप इंश्योरेंस कवर पा सकते हैं, वो होती है फ्लोटर पॉलिसी। और ओन डैमेज वो होता है कि आपका खुद का और आपके व्हीकल का जो कवरेज प्रोवाइड होता है वो ओन डैमेज पॉलिसी के अंतर्गत में कवरेज मिलता है आपको। मतलब किसी कारण एक्सीडेंटली अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या आप डैमेज हो जाते हैं या आपका व्हीकल डैमेज हो जाता है, सो ओन डैमेज पॉलिसी आपको कवरेज देती है। क्लियर है। सो अब इस पॉलिसी को आप ऐप बेस्ड गवर्न कर सकते हैं, उस ऐप का नाम है एडिलविस स्विच। और अगर और बात करें, दिस ड्राइवर बेस्ड मोटर इंश्योरेंस अलाउज द ओनर ऑफ द व्हीकल्स टू कवर मल्टीपल व्हीकल्स इन अ सिंगल पॉलिसी। इस ओन डैमेज फ्लोटर पॉलिसी के अंतर्गत आप मल्टीपल व्हीकल्स का भी कवरेज ले सकते हैं एक सिंगल पॉलिसी के अंदर। क्लियर है। और अगर एडिलविस जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इनके डायरेक्टर एंड CEO, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO है शैनाई घोष, CFO डेट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जितेंद्र अत्रा, कॉरपोरेट ऑफिस है इसका मुंबई। इज डैट क्लियर। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव, द प्राइवेट सेक्टर ICICI बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस अ स्पेशल FD
स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन कॉल्ड ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD। सो ICICI बैंक ने एक नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD फॉर सीनियर सिटीजन। सो क्या होगा इसके अंदर, आइए देखते हैं। ये स्कीम ऑफर करेगी आपको इंटरेस्ट रेट डेट इज 6.55%। अगर आप अपना जो डिपॉजिट है, जो मनी डिपॉजिट है, वो 2 करोड़ तक करते हैं और किस टाइम तक, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा और 10 साल तक, इस दौरान आप इस स्कीम में सीनियर सिटीजन जो भी पर्सन है वो अगर डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा 2 करोड़ तक, सो उनको 6.55% का इंटरेस्ट गेन होगा, ये पॉलिसी कहती है। क्लियर है? जो भी सीनियर सिटीजन पर्सन है वो अगर 5 साल से ज़्यादा और 10 साल तक 2 करोड़ तक अपना पैसा इस स्कीम में डालते हैं तो उनको 6.55% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। इज दैट क्लियर? ICICI के बारे में जान लेते हैं। कॉरपोरेट ऑफिस है, हेडक्वार्टर से मुंबई महाराष्ट्र। रजिस्टर्ड ऑफिस याद करने की जरूरत नहीं है। MD CEO इंपॉर्टेंट है। MD एंड CEO इज संदीप बख्शी एंड चेयरमैन इज गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ICICI बैंक के चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव IRDA's वर्किंग कमिटी रिकमेंडेड एनहेंसिंग ट्रेड क्रेडिट पॉलिसी कवर टू 85% से कितने परसेंट का कवरेज होगा। अच्छा मैं बता देता हूँ ट्रेड क्रेडिट पॉलिसी क्या है। जैसे अपन ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कोई भी पर्सन ट्रेडिंग करेगा, कोई भी उसका प्रोडक्ट हो, जैसे वेजिटेबल्स है, कोई आयरन प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, मैकेनिकल प्रोडक्ट है, इसकी ट्रेडिंग करेगा तो ट्रेडिंग में इनका कुछ कवरेज होता है कि इतना परसेंटेज अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो गया है या किसी कारण क्या ख़राब हो गया है तो उनको कवरेज मिलेगा। सो अभी जो पेंडेमिक जो हालात चल रही है इसके मद्देनज़र रखते हुए जो 85% कवरेज था उसको बढ़ा के 95% कर दिया। और क्यों किया है? जैसे आपको पता था कि पेंडेमिक के कारण पूरा ट्रांसपोर्टेशन रुके हुआ था। अभी जो हमारा जो करेंसी रोटेट हो रही है, मतलब करेंसी मूवमेंट नहीं हो पा रही है, सो इस कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। बहुत सारे उनके जो, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे अगर वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो इनका एक पीरियड होता है। अगर उस पीरियड के बाद अगर वो मार्केट में लेके भी आ जाते हैं तो वो क्या ख़राब हो जाती है। उस पीरियड से पहले पहले उनको अपना प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आना होता है। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो जो इन सारी चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए जो 85% कवरेज था उसको बढ़ा के 95% कर दिया गया। क्लियर है? पढ़ लेते हैं। फॉर MSME डेट इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस 95% इंडेमनिटी इज प्रपोज टू प्रोवाइड रिलीफ इन द इवेंट ऑफ लॉस विच इज बियॉन्ड देयर कंट्रोल। जो भी उनके वश में नहीं है, जो भी उनका नुकसान हुआ है, उसका 95% इंडेमनिटी मिलेगी। इज दैट क्लियर? इंडेमनिटी मतलब भुगतान। द रिकमेंडेशंस आर एम्ड एट इम्प्रूविंग द ओवरऑल बिजनेस एनवायरमेंट बाय प्रोटेक्टिंग सप्लायर्स एज वेल एज लेंडर्स अगेंस्ट पेमेंट डिफॉल्ट्स। सो एक असिस्टेंस मिल जाएगा जो भी जो बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं इनके बीच में एक बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे पेमेंट डिफॉल्ट चले गए, बहुत सारे पेमेंट्स ड्यू रह गए। सो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये नई स्कीम लाए हैं, ये पॉलिसी लाए हैं। सो अगर IRDA के बारे में बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद तेलंगाना एंड चेयरमैन इज सुभाष चंद्र खुंटिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। IRDA के चेयरमैन है डॉक्टर सुभाष चंद्र खुंटिया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव UN डिक्लेयर्स खुदोल इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट एज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। सो यूनाइटेड नेशन ने ये जो खुदोल इनिशिएटिव है कौन से स्टेट से लिया गया है, और ये इनिशिएटिव लेने के बाद अब इनकी जो उस स्टेट की जो कैटेगरी है किसके अमंग आ जाएगी, टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव जो COVID-19 से फाइट कर रहे हैं उनकी कैटेगरी में आ जाएगी। सो वो स्टेट है हमारे पास मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। और क्या है खुदोल इनिशिएटिव, पढ़ते हैं। खुदोल एम्स टू प्रोवाइड फूड हेल्थ एंड हाइजीन टू द LGBT कम्युनिटी पीपल लिविंग विद HIV चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। ये उन लोगों की मदद करता है जो LGBT कम्युनिटी से है, जो HIV
से ग्रस्त है, जो चिल्ड्रन, जो एडल्सेंट्स है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको फूड, हेल्थ और हाइजीन प्रोवाइड कराने का इनिशिएटिव है। इज दैट क्लियर? और यूएन की बात करें, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस है। और अगर मणिपुर की बात करें, कैपिटल है इम्फाल, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, सीएम है एन बीरेन सिंह। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर करंट इवेंट में मैं आपको कुछ ऐसी एडिशनल इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहती है, और आपका रिविज़न भी होता जाता है। मतलब ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ हर स्टेट से विद इन, हर महीने की बात नहीं करूँ, हर दो महीने में कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाएगी। सो वापस वो आपका चीज़ रिविज़न में चलता रहेगा। आपको मेन ये चीज़ याद करनी है। ये क्या, ये चीज़ें क्या बार बार दिखती रहेगी तो अपने आप याद हो जाएगी आपको, क्योंकि यूएन के बहुत सारी करंट अफेयर्स बन जाते हैं, बहुत सारे स्टेट्स के बन जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स? भाई फोर्ब्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट, वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन है? वो है नाओमी ओसाका। अगर पिछली ईयर की बात करें, सेरेना विलियम्स थी, अब हो गई है हमारे नाओमी ओसाका। ये विंबलडन भी जीत चुकी है। कौन से ईयर में जीत चुकी है मेरे को बताना है। सेरेना विलियम्स को हराया था। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। शी इज़ अ जापानीज टेनिस स्टार नाओमी ओसाका, 22 ईयर्स ओल्ड। यार बहुत ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ 22 साल के हैं ये। शी इज़ ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। बिकेम द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड, टॉपिंग अमेरिकन ग्रेट सेरेना विलियम्स। इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया। ओसाका हैज़ बीन रैंक्ड नंबर वन बाय द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। WTA के मुताबिक भी ओसाका रैंक में नंबर वन है। द कम्प्लीट फॉर्ब लिस्ट ड्यू टू बी रिलीज नेक्स्ट वीक। अब हाईएस्ट पेड एथलीट है, अब फीमेल की आ गई, मेल भी आएंगे, हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी भी आएंगे, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आने वाले वीक में कवर हो जाएगा। और अगर फॉर्ब्स की बात करें, ऑफकोर्स ही बात है, अमेरिकन इनिशिएटिव, अमेरिकन कंपनी है, सॉरी, हेडक्वार्टर्स है न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड CEO है हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डेट इज माइक फेडरल है इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव 11 मेंबर हाई लेवल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्म्ड टू रिफॉर्म ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम इन इंडिया। 11 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई है, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, किस कारण, टू रेगुलेट ड्रग, टू रिफॉर्म ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, ताकि ये जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में बदलाव कर सके। सो कौन है ये? ये है राजेश भूषण। ये ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम के चेयरमैन, कमिटी चेयरमैनशिप, चेयरमैन हेड है राजेश भूषण। अच्छा थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द सेंटर हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 11 मेंबर हाई लेवल कमिटी टू सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडिएट द ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया, ताकि जो ड्रग अप्रूवल प्रोसेस है उनको सिंप्लीफाई कर सके। और एक्सपीडेट का मतलब है कि तेज़ी से बढ़ाना प्रोसेस को। सो द कमिटी इज चेयर्ड बाय राजेश भूषण, जो कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वॉज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर May 11 एज अ मेजर टू रिफॉर्म द ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम इन इंडिया। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने बता दी, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें, यूनियन मिनिस्टर वी ऑल नो हर्षवर्धन के बारे में एक रिसेंट न्यूज़ है जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब ये किसी बड़ी हेल्थ बॉडी के चेयरमैन बने, सो बताइए कमेंट सेक्शन में दीजिए उसका आंसर। और अगर हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक न्यू दिल्ली, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अश्विनी कुमार चौबे, कॉन्स्टिट्यूएंसी है बक्सर बिहार। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव, वर्ल्ड बैंक नेम्स होम एज चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक ने किसे चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया? सो आंसर इज कार्मेन रीनहार्ट को चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। वर्ल्ड बैंक नेम्ड फॉर्मर बीएसटीन्स एग्जीक्यूटिव कार्मेन रीनहार्ट एज इट्स न्यू वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट, टैपिंग एन एक्सपर्ट ऑन फाइनेंशियल क्राइसिस, हु आल्सो सर्व्स ऑन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व।
डीन आर्ट्स अपॉइंटमेंट इज इफेक्टिव ऑन June 15, 2020 एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक का, जो कि है कार्मन रीनहार्ट। क्लियर है, कार्मन रीनहार्ट। अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स। वर्ल्ड बैंक का मोटो पिछले सेशन में भी बता चुका हूँ, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पुवर्टी। वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पुवर्टी, प्रेसिडेंट डेविड मलपास है। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। सो इसके नए नेशनल प्रेसिडेंट कौन बने हैं, और FLO स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। सो हमारा आंसर है जनाबी फूकन, जो कि नए नेशनल प्रेसिडेंट है ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री, जनाबी फूकन। और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शी टुक ओवर द पोजीशन फ्रॉम हरजिंदर कौर तलवार। इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है, कौन है, हरजिंदर कौर तलवार को रिप्लेस कर दिया है। एंड शी इज 36th FLO सेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ओम बिरला लोकसभा स्पीकर। 36वें सेशन FLO के 36वें सेशन पर ओम बिरला के प्रेजेंस में और लोकसभा स्पीकर की प्रेजेंस में इन्होंने ओथ लिया है। शी वॉज द फाउंडर मेंबर एंड फाउंडर वाइस चेयरमैनशिप चेयरपर्सन ऑफ FLO नॉर्थ ईस्ट चैप्टर इन 2007। एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो था वो बता दिया है। FLO के बारे में बात करें, प्रेजिडेंट तो बन गए अब जनाबी फूकन। क्लियर है, वाइस प्रेजिडेंट है हमारे उज्ज्वला सिंघानिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रश्मि सरिता। और FICCI इस्टेब्लिश हुआ था 1983, हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली। क्लियर है, हेड ऑफिस है हमारे न्यू दिल्ली। और FLO का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव हु हैज बीन अपॉइंटेड एज क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हेड इन साउथ एशिया बाय द वर्ल्ड बैंक। कौन से जो शख्सियत है जिनको अपॉइंट किया गया है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हेड, कौन से रीजन में, साउथ एशिया, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सो इनका नाम है अभास झा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिज रोल इज टू एंकरेज एंड सपोर्ट द साउथ एशिया रीजन SAR रीजन को सपोर्ट करना, असिस्ट करना, किसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्लाइमेट चेंज की टीम को सपोर्ट करना, कोलैबोरेट करना ग्लोबल प्रैक्टिस बाउंड्रीज में, जो भी क्लाइमेट चेंज से दिक्कतें आती है उनको मिटिगेट करना, डिजास्टर मैनेजमेंट की रिकवरी करना, कौन से रीजन में, साउथ एशिया रीजन में, इनका ही मतलब रोल रहेगा इन सब चीज़ों में। ही इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट डिमांड्स एंड स्ट्रेंथन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन इन दी SAR रीजन। क्लियर है, कौन है, अबास झा, हु इज आर न्यू प्रेजिडेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हेड इन साउथ एशिया रीजन बाय वर्ल्ड बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव राइट साइन पैक टू एक्वायर 24% स्टेक इन इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अच्छा, राइट्स का फुल फॉर्म है हमारा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेस, इकोनॉमिकल सर्विसेज, जिन्होंने 25% स्टेक एक्वायर कर ली है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और अगर राइट्स के बारे में जानेंगे, CMD दैट इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है राजीव मेहरोत्रा, हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम हरियाणा। और अगर IRSDC के बारे में जानेंगे, ये है इनके चेयरमैन है विश्वेश चौबे एंड हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर से हमारा न्यू दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग इन उमंग ऐप। अभी हाल ही में उमंग ऐप लॉन्च हुई है, उमंग ऐप में से उमंग का फुल फॉर्म क्या है, तो थोड़ा सा ग्लांस डाल देते हैं इसके बारे में। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इस ऐप का एम है टू मेक द गवर्नमेंट एक्सेसिबल ऑन द मोबाइल फोन्स ऑफ सिटीजन। जो भी आपकी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है
जो पॉलिसीज है उनको एक्सेसिबल बनाना मोबाइल फोन्स के अंदर, क्लियर है। और MEIT मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड सेवन वेदर सर्विसेज ऑफ IMD इन उमंग है। सेवन वेदर सर्विसेज लॉन्च की है IMD, क्या है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन उमंग है। और अगर MOES की बात बारे में बात करें, इसके जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, और IMD इज द एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी है, ऑन 21 मई 2020 स्पेनिश फुटबॉलर जो कौन से क्लब से खेलते थे, उस क्लब का नाम है एथलेटिक बिलबाओ, स्ट्राइकर आर्टिस अड्यूरिस अनाउंस हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 39 आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट ही रिक्वायर्स प्रोस्थेटिक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के, मतलब इस कंडीशन में इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, सो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया एट द एज ऑफ 39। और ये स्पेनिश फुटबॉलर है, कौन से क्लब से खेलते थे, एथलेटिक बिलबाओ, इनका नाम है आर्टिस ऑड्यूरिस, स्पेन के खिलाड़ी है, क्लियर है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो पेड्रो सांचेज स्पेन के प्रेसिडेंट है, और कैपिटल है मैड्रिड, ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, क्लियर है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव टेनिस प्लेयर एंड फोर टाइम्स ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन एशले कूपर पास्ड अवे एट 83, बिलोंग्स टू विच कंट्री। बहुत बड़े टेनिस प्लेयर है जो चार बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, इनका नाम है एशले कूपर, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इनकी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर जाने हैं तो कैपिटल है कैनबेरा, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट जॉन मॉरिसन या स्कॉट मॉरिसन, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, क्लियर है। सो एशले कूपर बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच स्टेट CM लॉन्चेज रुपीज 1,110 करोड़ रीस्टार्ट टू रिवाइव MSME सेक्टर। कौन से स्टेट के CM ने 1,110 करोड़ रीस्टार्ट इनिशिएटिव में डाले हैं ताकि MSME सेक्टर को रिवाइव कर सके वापस से। सो आपको मुझे रीस्टार्ट का फुल फॉर्म बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसका फुल फॉर्म क्या है, और ये हमारे पास स्टेट है आंध्र प्रदेश, और इसके CM आपको पता ही है कौन है, आंध्र प्रदेश के CM कौन है बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए जल्दी से। अब ये मत बता देना कौन है, बहुत अच्छी शख्सियत है जो हर काम में हर इनिशिएटिव में अपना योगदान सबसे पहले करते हैं, ये है नन ऑफ दी अदर जगनमोहन रेड्डी साहब, ये मेरे फेवरेट CM है, क्योंकि ये अपने स्टेट के लिए यार 100% देते हैं। अगर एजुकेशन के मामले में है, पॉलिसीज के मामले में है, हेल्पिंग नेचर, बहुत ही फिलान्थ्रोपिस्ट है, ज़मीनी तौर पे बहुत ही काम कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे पर्सन हैं। अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे या इनका काम देखेंगे आप भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सो जगन मोहन रेड्डी ने 1,110 करोड़ दिए हैं रिस्टार्ट इनिशिएटिव में ताकि MSME सेक्टर को बढ़ावा दे सके। कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अमरावती, एंड गवर्नर इज विश्वाभूषण हरिचंदन। और सिडबी बैंक की बात करें, सिडबी का फुल फॉर्म चाहिए मेरे को, क्लियर है। हेडक्वार्टर्स है लखनऊ उत्तर प्रदेश, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मोहम्मद मुस्तफ़ा, सिडबी का फुल फॉर्म चाहिए, क्लियर है। अगर आता है तो इजी है, कमेंट सेक्शन में बताइए। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल GK रिव्यू, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। प्लीज़ 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 स्टूडेंट सपोर्ट कीजिए यार, आपके लिए हर बार एक जेन्युइन कंटेंट तैयार करना, करंट अफेयर्स बनाना, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बताना। सो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए, इस चैनल को ग्रो कराइए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, जिसके साथ भी पढ़ते हैं, आपके बैचमेट हो गए हो, किस जिस इंस्टीट्यूट में शायद पढ़ रहे होंगे, तो उनके साथ इस चैनल के बारे में बताइए, इंट्रो दीजिए, क्लियर है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।